आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोरावर लाइट टैंक के बारे में। इस टैंक को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है कि ये टैंक रोल आउट हो चुका है और लगभग 100 घंटे की टेस्टिंग भी इसके ऊपर की जा चुकी है। ANI की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसके हिसाब से अप्रैल में ये टैंक इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्मी इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू करेगी। देखिए, जब भी हम लोग जोरावर लाइट टैंक के बारे में बात करते हैं तो कुछ डिटेल्स को मिस कर देते हैं। देखिए, चाइना के साथ में लद्दाख में जब स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया था कि उनको लाइट टैंक की आवश्यकता है और इस लाइट टैंक को लेकर अप्रैल 2021 में प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। शुरुआत में भारतीय सेना की तरफ से बताया गया था कि लगभग 350 टैंक्स वो लोग अक्वायर करेंगे और ये परचेस की जाएगी बैचेस में। भारत में जितनी कंपनीज टैंक बना सकती हैं उन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया था और प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसे भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यानी कि मेक इन इंडिया की मेक वन कैटेगरी के तहत यहाँ पर टैंक बनाए जाने थे। बाद में जब बात आई RFP स्टेजेस पे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की तरफ से अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ में अपने टैंक्स ऑफर किए गए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार की तरफ से DRDO को अश्योर किया गया कि उनकी तरफ से जो टैंक बनाया जाएगा उसके कम से कम 59 यूनिट्स अक्वायर किए जाएंगे और बची हुई 295 की रिक्वायरमेंट को लेकर DRDO अपने इंडियन पार्टनर के साथ में मिलकर दूसरे वेंडर्स के साथ में कम्पीट कर सकता है। देखिए, जोरावर लाइट टैंक DRDO का डिजाइन है जो L&T बना रही है। इसके अलावा L&T यहाँ पर K9 थंडर का बेस यूज करते हुए लाइट टैंक का हल बनाने वाला है और उसके साथ में जॉन कॉकरेल की टैरेट मेट करके अपना खुद का लाइट टैंक प्रेजेंट करने वाला है। कल्याणी के लाइट टैंक की सबसे पहली फोटोग्राफ हम लोगों की तरफ से ही डिफेंस एक्सपो के दौरान रिलीज की गई थी। हालांकि टाटा और महिंद्रा ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है और कुछ लोगों की तरफ से बिलीव किया जा रहा है कि जैसा कि टाटा कैस्ट्रोल के केस में मल्टीपल वेंडर्स अपने अपने आइट्रेशन लेकर DRDO के डिजाइन को यूज कर रहे हैं, कुछ वैसा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है वो है इस प्रोटोटाइप में लगने वाला समय। प्रोसेस शुरू हुआ था अप्रैल 2021 में और हम लोग जनवरी 2023 में हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ये प्रोटोटाइप रोल आउट हो चुका है और इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा घंटे की टेस्टिंग भी हो चुकी है। यानी कि नेचुरली ये प्रोटोटाइप थोड़ा और पहले बना हुआ था और अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम भी ले तो 2 साल से भी कम के समय में यहाँ पर प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये प्रोटोटाइप अमेरिकन कमिंस के इंजन से पार किया जाएगा और इसमें एलिसन का ट्रांसमिशन यूज किया जा रहा है। वैसे इनिशियल प्लान के हिसाब से जर्मन कंपनी MTU का इंजन यहाँ पर यूज होना था और रेनेक का ट्रांसमिशन यूज किया जाना था, लेकिन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बीच में ही इंजन चेंज होना, ट्रांसमिशन चेंज होना और फिर भी टाइमलाइंस को मीट करना यह दिखाता है कि किस मैच्योरिटी के साथ में DRDO और L&T ने इस प्रोग्राम को हैंडल किया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इस टैंक में जॉन कॉकरेल की टैरेट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पर्सनली मैं वेट करूंगा इस प्रोटोटाइप की पहली फोटोग्राफ का ताकि हम लोग उस चीज को अश्योरिटी के साथ में रिपोर्ट कर सके। लेकिन अल्टीमेटली जब L&T की तरफ से प्रोडक्शन वेरिएंट रोल आउट किए जाएंगे तो उसमें कम से कम 50% इंडिजिनस कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि इनमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जाएंगे और प्रोबेबली समय के साथ साथ इनके अंदर जाने वाला कंपोनेंट और ज्यादा इंडिजिनस होता चला जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर इंडियन आर्मी की टोटल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये 354 टैंक्स की है और अगर 59 टैंक्स DRDO और L&T को कमिट कर दिए गए हैं तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट केवल 295 टैंक्स की ही बचती है। ऐसे में दूसरी कंपनीज की तरफ से फॉरेन OEM के डिजाइन्स को इंडिया में बनाकर L&T जितनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा यहाँ पर लॉजिस्टिक्स वाला एंगल भी आता है और उसके बावजूद 6 से 7 इंडियन कंपनीज अपने फॉरेन OEM पार्टनर्स के साथ में मिलकर यहाँ पर कम्पीट करने वाली हैं। यानी कि आने वाले समय में भारत में बहुत सारी कंपनीज टैंक बनाने में सक्षम होंगी और अगर आज देश में केवल एक अर्जुन प्रोग्राम के साथ में इस तरीके का इकोसिस्टम बना हुआ है तो इमेजिन कीजिए कि आगे चलकर क्या स्थिति होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।